Hello and welcome to Platonic. In this playful journey to know incredible Indian art and culture, let's get started. This is our first lecture in the Indian art and culture series. हमारे इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक ऐसी सभ्यता जो आज के भारतीय तहजीब का आधार है, एक ऐसी सभ्यता जिसे दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा मिला, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसे जाने बिना हमारी ये यात्रा अधूरी सी रह जाएगी। तो आइए चलें इस सफ़र पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड एंड इट वॉज एक्सकवेटेड बाई दयाराम साहनी। मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर इन द वैली ऑफ इंडस रिवर एंड हैंस फोर्थ दिस नेम। हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज द लार्जेस्ट ऑफ द फोर एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशंस और जो अर्लीस्ट एक्सकवेशंस हुई देवर इन द हरप्पा इन वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। बोथ ऑफ दीज टूडे आर पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स आप इस मैप पर लोकेट कर सकते हैं। अपने सुनहरे दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन बलूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर सिंधु घाटी के मैदानों तक और कच्छ काठियावाड़ से लेकर यमुना घाटी तक फैली हुई थी। अगर हम ज्योग्राफिक एक्सटेंट की बात करें तो नर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टुडे इज मांडा इन जम्मू, अलामगीरपुर इन मेरठ इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट, सदर्न मोस्ट साइट है दैमाबाद महाराष्ट्र में और वेस्टर्न मोस्ट साइट है बलूचिस्तान में सुटका जेंडोर। Because this is a series on Indian art and culture, so let's focus on the architecture of Indus Valley Civilization. The towns of Indus Valley Civilization were laid out in a rectangular grid pattern, and the roads ran in north-south and east-west direction, and they cut each other at right angles. वाइड रोड्स होते थे जो मेन रोड थे और जो स्ट्रीट्स के रोड थे वो थोड़े से नैरोअर होते थे एंड दे यूज टू मीट द मेन रोड एट राइट एंगल्स। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज अ अर्बन सिविलाइजेशन एंड अ वेरी हाइजीनिक अर्बन सिविलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक अप्रेज्ड उठा हुआ सिटाडेल होता था इन द वेस्टर्न पार्ट। नाउ दिस सिटाडेल वॉज यूज फॉर बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन जैसे ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, कोर्ट यार्ड्स एट्सेट्रा। और जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी था ईस्टर्न पार्ट में, इट हैड स्मॉल वन रूम्ड कंस्ट्रक्शंस विच मे हैव बीन यूज्ड एज क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास। कुछ घरों में पौड़ियाँ भी मिली हैं विच इंडिकेट्स दैट फ्यू हाउसेस माइट हैव बीन डबल स्टोरीड। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन and also there was use of organic and perishable material like mud, bamboo, leaves, thatch. Now of course all these structures have not survived the ravages of time, yet through the excavations we get to know about the architecture of Indus Valley civilization. Let us quickly go through the features of urban civilization. To yahan par planned cities thi Indus Valley civilization mein, zyada tar cities planned thi. जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर्ड था। नाउ हाइजीन एंड सैनिटेशन एक प्रोमिनेंट पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स था। नाउ दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम द अदर एग्जिस्टिंग एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ दैट टाइम जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वहाँ पे भी बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ नहीं था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर इट्स ट्रेड। यहाँ पर ट्रेडर्स का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। इंडस्ट्री बहुत थ्राइविंग थी। जो ट्रेड था वो इंटरनल भी था और एक्सटर्नल भी था। हरप्पन सिविलाइजेशन से जो गुड्स थे दे यूज टू गो टू बहरीन, दिलमन, ओमान एंड मेसोपोटामिया। बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। और जो यहाँ की स्क्रिप्ट थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, उसके दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। पहला, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पिक्चर्स के थ्रू ये लोग लिखते थे और जिसे हम आज भी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। दूसरी, बोस्ट्रोफेडोन यानी कि राइट टू लेफ्ट जो पिक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। तो दीज आर टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स
of the Indus Valley script. Since we are discussing the art and culture of Indus Valley civilization, तो आप देखते हैं कि इनकी religious life कैसी थी. जो हमें seals मिली हैं excavation से, वहाँ उन seals पर एक पशुपति महादेव का figure बना हुआ है. Now he is represented in a yogic posture और उनके आसपास चार animals हैं, elephant, tiger, rhino, buffalo और नीचे दो deer भी बने हुए हैं. जो चीफ फीमेल डीटी हैं वो है मदर गोडेस, जिनका टेराकोटा इमेज, टेराकोटा फिगर हमें मिलता है, विच इज़ क्रूड इन शेप, मतलब बहुत ही सोफेस्टिकेटेड नहीं है. जो सील्स पे इमेजेस बनी हुई हैं वो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड हैं, उनमें अच्छा आर्टवर्क यूज़ किया गया है. पर जो टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो ज़्यादातर क्रूड हैं. तो नाउ दिस वी हैव वन चीफ मेल डीटी एंड वन चीफ फीमेल डीटी. नाउ दिस लीड्स टू अ डिबेट whether the Indus Valley civilization was patriarchal or matriarchal, but the debate is not resolved yet. Also, there was prevalence of phallic worship, yoni worship and fertility cult. Fire ki worship hoti thi. Fire altars mile hain Lothal mein, Kalibangan mein, Harappa mein. The worship was also based on nature derived gods, jaise ki trees, animals, इनकी भी worship होती थी Indus Valley civilization में. Amulets मिले हैं, amulets which reflect that there was belief in ghosts and evil forces, और उनसे protection के लिए लोग ताबीज़ जिन्हें हम कहते हैं amulets बनवाया करते थे. So all these features we have got from Indus Valley civilization which reflects their religious beliefs. Apart from this, one important thing to remember is no structure resembling a temple has been found from Indus Valley civilization. तो इसलिए इसको बहुत लोग secular civilization भी बोलते हैं. हमें यहाँ कोई भी temple का structure नहीं मिला है. ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सील पर बने हुए पशुपति महादेव, और नीचे जो figure है ये मदर गोडेस का है. अगली slide में आप देख सकते हैं ये डांसिंग गर्ल है जो मोहन जोदारो से मिली है. शी इज़ मेड ऑफ ब्रोंज और ये लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई हैं. एंड देन वी हैव द बियर्डेड प्रीस्ट विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दैट एरा. हमने देखा कि स्टेटाइट की सील्स बनी होती थी और ब्रोंज का बहुत बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी और इस्तेमाल भी होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में. खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान से कोपर लिया जाता था एंड टिन और लैपिस लजूली वॉज ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान. ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ मेसोंस. एंड ऑल्सो वन अनदर थिंग दैट द साइज ऑफ ऑल द ब्रिक्स वॉज सेम विच शोज दैट देयर वॉज सम सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, सील मेकिंग, दीज वर सम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. टेराकोटा के इमेजेस भी मिली हैं, जैसे हमने पीछे मदर गोडेस देखा, शी वॉज मेड ऑफ टेराकोटा. नाउ द ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स वॉज प्रिविलेंट. ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा थे. कॉस्मेटिक्स की प्रिविलेंस देखी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने. और पोट्री, पोट्री का भी काफ़ी ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें निशान देखने को मिलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द इकोनमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, it used to produce wheat, barley, jowar, cotton. Since the Indus Valley was situated in flood plains, so there were sufficient food grains, and these people were the earliest people to produce cotton. The importance of trade in the life of Indus people is witnessed by the presence of numerous seals, uniform script and regulated weights and measures in wide area. So there was thriving agriculture economy and there was flourishing trade with the Persian Gulf and Mesopotamia. कुछ और फीचर्स की तरफ बढ़ें. हरप्पा और मोहनजोदारो में सिटाडल देखने को मिला है, बल्कि ज़्यादातर सिटीज़ में सिटाडल और लोअर टाउन ये क्लासिफिकेशन देखने को मिली है. और हाउसेस ग्रिड सिस्टम में, रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम में प्रेजेंट होते थे. बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं जिनका इस्तेमाल ग्रेन स्टोर करने के लिए किया गया होगा. एंड एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल इंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड, किलेबंदी करी गई थी. एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स. लोथल इज़ फेमस फॉर द डॉकयार्ड. लेट अस गो थ्रू सम इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स. बात करें हरप्पा की,
सो दिस वॉज अ सिटी विच फॉलोड द ग्रिड प्लानिंग. वी फाइंड द रो ऑफ सिक्स ग्रेनरीज हेयर एंड हरप्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. सो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी हैव एविडेंसेज ऑफ कॉफिन बरियर. मूविंग टू मोहनजोदाड़ो, इसको माउंड ऑफ द डेड भी बोलते हैं. एंड दिस सिटी ऑल्सो फॉलोड द ग्रिड प्लानिंग. अ लार्ज ग्रेनरी ग्रेट बाथ एंड हैज़ बीन फाउंड हेयर. द डांसिंग गर्ल द बियर्डेड प्रीस्ट हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो. ह्यूमन स्केलेटन्स शो दैट दिस सिटी वॉज इन्वेडेड मैनी टाइम्स. अ पीस ऑफ वोवन कॉटन अलोंग विद स्पिंडल वॉल्स एंड नीडल्स हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो. Mohenjo-daro was on the banks of river Indus. Moving to Chanhudro, so this was a city with no citadel and it is famous for bead maker shop. Then Kalibangan, a city that showed both pre-Harappan and post-Harappan phases. There is evidence of furrowed land, evidence of seven fire altars and camel bones. Kalibangan literally means black bangles. अ प्लोड फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड हेयर. एक ऐसा खेत जिसमें हल चलाया हुआ जिसे जोता हुआ हो, दैट फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इन कालीबंगन एंड इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर घग्गर. मूविंग ऑन टू लोथल, सो लोथल इज अ सिटी विच इज नोन फॉर रिमेन्स ऑफ राइस हस्क. एविडेंस ऑफ हॉर्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल. बीड्स एंड ट्रेड पोर्ट्स हैव बीन फाउंड इन लोथल. एंड a dockyard and Persian Gulf seal has also been found here. Warehouses, commercial center, outpost for sea trade, all these features are associated with Lothal and it was situated on the banks of a tributary of river Sabarmati. Then Dholavira, so Dholavira was located in Rann of Kutch and unlike other cities it was divided into three cities. There was a big water reservoir for storing water and it is also the largest site. Unique water management techniques have been seen in Dholavira and seven cultural stages have been seen here. Now this was a question which was asked in 2021 also. These are some quick facts listed for you. Mohenjo-daro is also known as the Mound of the Dead. It is on the banks of river Indus and was the largest Harappan site. Kalibangan on the banks of river Ghaggar, Harappa on the banks of river Ravi. Now one of the most important things to remember is there are three important things that were absent in Indus Valley civilization, or let us say they were not known to the Indus Valley civilization people. These are iron, cow and horse. Now all these three things are very important for the Aryans who come after Indus Valley civilization. For them, they use the iron tools to clear the forest and cow, and they arrive on horses, and cow is the most important living being for them. So iron, cow and horse were not known to the Indus Valley civilization. There was standard size of bricks, standard weights and measures which depict that there was some sort of centralized authority. And from the Mesopotamian texts, the word Meluha meant India, the word Dilmun meant Bahrain, and the word Magan meant Oman. कितनी दिलचस्प बात है कि आज की भारतीय संस्कृति में 5-6 हज़ार साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की झलक मिलती है. संस्कृति का यह अटूट सिलसिला आज भी कायम है. स्वास्तिक सिंबल, नेचर की वर्शिप, चंडीगढ़ जैसी प्लैंड सिटीज़, मदर गोडेस, शिवा पशुपति की वर्शिप, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की संस्कृति को हम लोग अब एक धरोहर की तरह आगे बढ़ा रहे हैं. आगे आने वाली दो स्लाइड्स में इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की आपको एक टाइमलाइन मिलेगी. आइए देखते हैं इस टाइमलाइन को. 2500 से 1500 BC के बीच में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. 2000 BC से 1500 BC में आर्यंस अराइव हुए. 1500 से 1000 BC के बीच में चली अर्ली वैदिक एज. उसके बाद 1000 से 500 BC में लेटर वैदिक पीरियड. 563 से 483 BC का टाइम गौतम बुद्ध और महावीर का है.
उसके बाद 492 बीसी से 460 बीसी में अजातशत्रु ने रूल किया। 364 से 321 बीसी देयर वॉज रूल ऑफ नंदास ऑफ मगध। 322 से 298 बीसी में रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड देन दी रूल ऑफ अशोका इन 273 टू 232 बीसी। 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में। 90 बीसी में शाकास इंडिया में आते हैं। 78 बीसी में देर इज एक्सेशन ऑफ कनिष्का। 100 टू 300 बीसी इज ऑल्सो नोन एज द संगम एज इन साउथ इंडिया। 50 बीसी से 250 एडी तक सतावना डायनेस्टी ने डेक्कन में रूल किया। 320 से 414 एडी में द रूल ऑफ गुप्ताज वॉज देयर। 500 टू 527 एडी देर वॉज रूल ऑफ हुंस ओवर नॉर्थ इंडिया। 606 से 647 एडी में वी हैव हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज एंड ह्यून सेंग विजिट्स इंडिया। हमारी यात्रा के इस पड़ाव में हमने समझा, देखा और जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसे दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा मिला। परंतु किसी भी सभ्यता को सबसे अच्छा जानने का तरीका होता है उसकी लिपि, उसका लिटरेचर समझना। यह दुर्भाग्य है कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि समझी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई है। जब यह लिपि पढ़ी जाएगी तब इस सभ्यता से जुड़े बहुत से राज खुल जाएंगे और वे राज हम भारतीयों को और भी गौरवान्वित करने में सक्षम होंगे। इसी आशा को मन में रखते हुए आइए अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर रुख करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एंड वी विल डिस्कवर द इनक्रेडिबल इंडियाज़ आर्ट एंड कल्चर। Stay tuned to Platonic. Thank you.